हाय फ्रेंड्स, मैं सलीम नसीम मोटर वर्कशॉप बनारस। फ्रेंड्स देखिए, आज हमारे पास ये जीप कंपास है। गाड़ी में दाहिने से गाड़ी कूद गई है तो आवाज़ कर रही है, तो मैं अभी इसका दाहिने साइड का चक्का खोलता हूँ और देखता हूँ गाड़ी में साकर गया है कि कैची है, मैं उस आवाज़ को ठीक करता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए करते हैं काम स्टार्ट, गाड़ी पर चलते हैं। फ्रेंड्स ये देखिए गाड़ी है, ये दाहिने साइड का चक्का है, अभी हम इसको खोलते हैं। ये देखिए स्वॉकर तो इसका लीक कर गया है, अभी हम इसकी स्वॉकर को निकालते हैं बाहर और कैची को चेक करते हैं। कैची का हमारा बूश सही है कि फट गया है, कि स्वॉकर से ही काम हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए ये आवाज़, ये तो अभी हम इसका बोनट खोलते हैं। चक्का खुल गया है, गाड़ी की ये स्टॉपर लीक है, अभी मैं स्टॉपर चेंज करूंगा और बाकी हमारा सिस्टम सही है। चलिए खोलते हैं गाड़ी का स्टॉपर और फिर करते हैं गाड़ी को कंप्लीट। ठीक है, गाड़ी में साकर हमने खोल दिया है, ये हमारी लीक कर गई है, अभी हम इसको कराते हैं कंप्लीट और फिर करते हैं गाड़ी। फ्रेंड्स ये देखिए राजू भाई गाड़ी का साकर खोल रहे हैं, अभी इसको बाद ये साकर होगा रिपेयर, फिर करेंगे हम गाड़ी में इसको कंप्लीट और करते हैं गाड़ी को ट्रायल। ठीक है, यही गड़ा गड़ा करता रहा। फ्रेंड्स ये देखिए साकर की कंडीशन, साकर इसका एकदम ख़त्म हो चला है, अभी हम इसको राजू भाई रखिए, अभी हम साकर रिपेयर कराते हैं सारू सेरू भाई से और करते हैं गाड़ी को कंप्लीट। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए सिलेंडर की पाइप कट रही है, ये राड इसका चेंज हो रहा है, टेढ़ा था, तो इसके बाद साकर होगा कंप्लीट। राजू भाई करेंगे साकर को कंप्लीट, फिर हम करते हैं इसको गाड़ी में स्टार्ट। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए सॉकर में ऑयल पड़ गया है, अभी सिलेंडर इसके बाद चेक होगा, ये प्रेशर, फिर इसके बाद ये देखिए ये प्रेशर इसका चेक कर रहे हैं राजू भाई,
करेंगे इसके बाद इसमें स्टार करते हैं, फिर इसको कंप्लीट। ठीक है, ये देखिए सिलेंडर कंप्लीट हो गया है। अब इसको इसमें डाल के करते हैं कंप्लीट। इसका प्रेशर चेक हो गया फ्रेंड्स। सफाई कर रहे हैं। सफाई करने के बाद हम इसको करेंगे फिट और इसकी बैरिंग करेंगे चेंज और करेंगे कंप्लीट। ठीक है, ये देखिए इसका ये सिलेंडर है और ये देखिए राड है, देखिए रॉड ये टेढ़ा हो गया था जिसके कारण हमें चेंज करना पड़ा। पूरा सिस्टम देख रहे हैं, इसमें टूट गया था तो नया साकर काफ़ी कास्ट आ रहा, तो मैंने इसमें साकर को रिपेयर करा दिया राजू भाई से और इसको करते हैं कम्प्लीट। ये देखिए सागर कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं इसको गाड़ी में चलते हैं। फ्रेंड्स ये देखिए गाड़ी का सॉकर लग गया है, इसका स्टेबलाइजर लिंक लगेगा और ये ऊपर से सॉकर लग गया है। इसके बाद हम लगाएंगे ऊपर का फाइबर और फिर करते हैं गाड़ी को ट्रायल। ठीक है फ्रेंड्स, फ्रेंड्स ये देखिए गाड़ी का चक्का लग रहा है, इसके बाद गाड़ी निकलेगी ट्रायल पे और गाड़ी को करेंगे फाइनल। ठीक है फ्रेंड्स, गाड़ी हो गई देखिए फाइनल। अब हम करते हैं इसको ट्रायल और करते हैं पार्टी को गाड़ी डिलीवर। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए हम गाड़ी को करते हैं स्टार्ट और चलते हैं गाड़ी को करते हैं ट्रायल। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए गाड़ी हमारी स्टार्ट हो गई। अब हम इसको निकालते हैं ट्रायल पर, करते हैं गाड़ी को कंप्लीट। फ्रेंड्स गाड़ी को देखिए हम यह ट्रायल पे निकाले हुए हैं। अब गाड़ी में हमारे कोई भी आवाज़ नहीं है। मैं इस पर थोड़ा गड्डी गुड्डा रोड पे आया था, तो आज की हमारी यही छोटी सी टॉपिक है। ठीक है फ्रेंड्स, किधर से इधर आ जाओगे तो आ जाएगा। आवाज चालू करें, गाड़ी में कोई आवाज़ नहीं है। आज की हमारी ये छोटी सी टॉपिक थी,
जीप की कंपास थी, इसका दाहिना साकर लीक कर गया था, गाड़ी गड्ढे में कूद गई थी, जिसके कारण मुझे इसका साकर रिपेयर कराना पड़ा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स। मैं सलीम, नसीम मोटर वर्कशॉप बनारस। फ्रेंड्स, इसके अकॉर्डिंग कोई दिक्कत हो तो आप मेरे चैनल पे कमेंट करिए और वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को अंत तक देखिए। थैंक यू।